एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में सेफ होंगे और मस्त होंगे। आज है 12 फरवरी और डे है फ्राइडे। तो अभी शाम के 6:30 हो रहा है। मैं प्याज चॉप कर रही हूँ। मैं आज बहुत सारा प्याज चॉप कर रही हूँ। तो प्याज को चॉप करने से पहले मैंने सारे प्याज का छिलका निकाल लिया था और उसके बाद उसको वॉश कर लिया था पानी से। फिर मैंने एक थाली में सबको रख दिया है और अभी चॉपिंग बोर्ड पे चॉप कर ले रही हूँ। कुछ लोग प्याज को धोते नहीं है, वॉश नहीं करते हैं पानी से, बट मेरा मन नहीं मानता है सो मैं इसको वॉश कर ही देती हूँ। और मैं कुछ भी सब्जी वगैरह कुछ भी काटती हूँ तो चॉपिंग बोर्ड पे ही काटती हूँ, मेरे से हाथ में लेके होता ही नहीं है। मैं अगर कुछ भी हाथ में लेके काटती हूँ तो टाइम भी बहुत लग जाता है और डर भी लगते रहता है कि कहीं मेरा हाथ ना कट, उंगली ना कट जाए। और सच में कुछ भी अगर मैं काटती हूँ तो उंगली कटती नहीं है, बट क्या होता है कि वो निशान हो जाता है कटने के जैसे, और उंगली ऐसे में ख़राब हो जाती है मेरी। इसके लिए मैं चॉपिंग बोर्ड पे ही चॉप कर लेती हूँ। और देखिए, कभी कभी प्याज, कभी नहीं मतलब होता ही है ज़्यादातर कि हम जब भी प्याज काटते हैं तो आँख में आँसू आ जाता है। सो प्याज काटने का उतना मन भी नहीं करते रहता है, बट आज मुझे चिकन बनाना है। आज मैंने मामा जी की पूरी फैमिली को खाने पे बुलाया है। हमारा चलते रहता है, कभी हम लोग जाते हैं, कभी उन लोगों को हम लोग बुला लेते हैं। हमारा अच्छा मतलब बहुत अच्छा रिलेशन है उन लोगों से, सो हमारा आना जाना लगा रहता है। और वंश के लिए भी उन लोगों को मतलब उन लोगों को वंश के बिना अच्छा नहीं लगता है। सो वंश के साथ टाइम स्पेंड करना उन लोगों को बहुत अच्छा लगता है। सो इसके लिए मैं अभी प्याज को चॉप कर ले रही हूँ और चिकन भी मैंने वॉश करके रखे हुए हैं। उसके बाद फिर मैं चिकन बनाऊँगी। सो गाइज, आज मैं आप लोगों के साथ चिकन की रेसिपी शेयर नहीं करी, क्योंकि एक ही चीज़ को क्या बार बार शेयर करना। मैं एक दो बार शेयर कर चुकी हूँ, सो बस थोड़ा सा भी दिखा दे रही हूँ। देखिए यहाँ पे चिकन कितने अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, 80 से 90% तक ये पक भी चुका है। सो मैं वही देख रही थी, तो क्योंकि मैंने इसको ढक ढक के थाली से पकाया है और फ्राई किया हुआ है। मैंने इसमें सारे मसाले डाल दिए हैं, बस नमक और चिकन मसाला, गरम मसाला नहीं डाला है अभी। तो देखिए, मैंने दूसरी साइड गैस पे गरम पानी को मग में गरम होने मतलब पानी को गरम होने के लिए मग में रख दिया है। गरम पानी मैं कर रही हूँ क्योंकि मैं चिकन में ग्रेवी के लिए गरम पानी डालूँगी, तो गरम पानी का एक अलग ही टेस्ट होता है। पहले मैं चिकन में सारे मसाले डालती थी बट गरम पानी नहीं डालती थी, तो उतना अच्छा टेस्ट नहीं होता था। तो मैंने ये तरीका अपनी मामी जी से सीखा है, वो चिकन में गरम पानी ही डालती है ग्रेवी में, तो उनका चिकन एक अच्छा बनता था, उनके चिकन का टेस्ट ही अलग होता था। तो मैंने उनसे पूछा कि आप कैसे बनाती हो, आपका ऐसे मतलब इतना अच्छा क्यों लगता है, इतना टेस्टी? तो उन्होंने बोला कि मैं गरम पानी डालती हूँ। तब से मैंने भी गरम पानी डालना स्टार्ट कर दिया है ग्रेवी के लिए। तो देखिए, अभी मैंने गैस की फ्लेम को लो कर दी है, उधर जो गरम पानी हो रहा है मग में, तो उसकी फ्लेम को मैंने लो कर दी है, क्योंकि चिकन को भी मैं 3 से 4 मिनट तक और फ्राई करने वाली हूँ। तो अभी मैं पानी गर्म हो चुका था, बिल्कुल खौल गया था, उबल गया था, तो मैंने लो कर दी है, अभी बंद नहीं करी, क्योंकि चिकन अभी थोड़ा सा और भुनेगा इसके लिए, और हमें खौलता हुआ उबलता हुआ पानी रखना है। और मैं किसी काम से अभी रूम में गई थी, वंश के लिए ही गई थी। वंश को टीवी में मतलब कोई ऐड जब आता है तो वो ऐड देखना पसंद नहीं करता है, उसको फिर दूसरा चैनल चेंज करना होता है, और उसको आता है चैनल चेंज करने, बट वो खुद से करता नहीं है। तो देखिए यहाँ पे चिकन कितने अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। सो अब मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी और फिर ढक के, और फिर पानी ऐड करने के बाद इसमें नमक ऐड करूंगी टेस्ट के अकॉर्डिंग, और फिर ढक के 5 से 7 मिनट तक पका लूंगी। गाइज, 5 मिनट हो गए हैं और अभी देखिए यहाँ पे चिकन का कलर कितना अच्छा लग रहा है। तो अब ये पक चुका है बहुत अच्छे से। सो अभी मैं लास्ट में इसमें गरम मसाला ऐड कर दूंगी, और चिकन मसाला तो मैं 2 चम्मच के करीब इसमें
गरम मसाला ऐड करूँगी और 2 चम्मच के करीब चिकन मसाला ऐड करूँगी। और दूसरी साइड मैंने गैस पे चाय बनने के लिए रख दी है। मामा जी लोग आ गए हैं, सो मैं अभी चाय बना ले रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं गरम मसाला ऐड कर दे रही हूँ और अभी इसकी ग्रेवी पतली दिख रही है, बट ये जैसे जैसे चिकन ठंडा होता जाएगा, मतलब बनने के आधे घंटे बाद ये गाढ़े इसकी ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी। और अभी हम लोग थोड़ी खाएंगे, अभी तो आए ही हैं, बैठेंगे बातें बातें करेंगे तो 1 घंटे बाद तो खाएंगे ही। और इसके लिए तो देखिए यहाँ पे अभी मैं चिकन मसाला ऐड कर दे रही हूँ और फिर ढक के 2 से 3 मिनट तक और पका लूँगी। और मैं चिकन को हमेशा कढ़ाई में ही पकाती हूँ, कुकर में नहीं बनाती हूँ, क्योंकि कुकर का टेस्ट एक अलग होता है, कढ़ाई का अच्छा टेस्ट आता है। सो मैं हमेशा जितना भी टाइम लगे, 1 घंटे तो कम से कम लगते ही है कढ़ाई में, 1 से 1.5 घंटे, बट मैं इसको कढ़ाई में ही पकाती हूँ बनाती हूँ। चाय बन के रेडी हो गई है। सो अभी मैं सिर्फ मामा जी के लिए ही छान रही हूँ कप में, क्योंकि मामा जी कम शक्कर की चाय पीते हैं इसके लिए, और मैं बाकी लोगों में शक्कर ऊपर से और मिक्स कर दूँगी और फिर 1-2 उबाल आने तक चाय को पका लूँगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने मामा जी के लिए कप में छान लिए हैं और अभी मैं उनको दे के आ रही हूँ। और अभी मैं दूसरी साइड गैस चूल्हे पे रोटी बना रही हूँ। मैंने आटा वाटा पहले ही लगा लिया हुआ था, चावल भी मेरा बन चुका है, सो चिकन भी बन गया है। तो अभी मैं इसमें धनिया पत्ती ऐड कर दूँगी और फिर गैस की फ्लेम को बंद कर दूँगी। तो देखिए मैंने रोटी बना लिया है, चिकन भी बन गया है, चावल भी बन गया है, सैलेड भी मैंने काट लिया हुआ है। तो अभी मैं यहाँ पे रोटी में घी लगा दे रही हूँ, और क्योंकि घी लगा के और फिर हॉट पॉट में रख दूँगी तो ये गर्म ही रहेगा कुछ देर तक, आधे घंटे तक तो गर्म ही रहेंगे। और इसके लिए मैंने पहले ही सब कुछ रेडी कर लिया है, क्योंकि अब मैं उन लोगों के साथ बैठ के थोड़ी सी बातें बातें करूँगी इधर उधर की इसके लिए। और आज मैं मिलवाती हूँ आप लोगों को हमारी फैमिली से। तो ये देखिए मेरी देवरानी थी और ऑरेंज साड़ी में मामी जी, वाइट टी शर्ट में देवर जी, ग्रीन टी शर्ट में मिस्टर हस्बैंड और ऑरेंज शर्ट में मामा जी हैं ऑरेंज कलर के शर्ट में। तो वह उसको देखिए अपने दादाजी के साथ कितनी मस्ती कर रहा है, और अभी ये लोग आप लोगों से हाय कर रहे थे। तो वंश को बहुत अच्छा लगता है दादाजी के साथ, और दादाजी को भी बहुत अच्छा लगता है पोते के साथ। तो पोता दादाजी दोनों बहुत मस्ती करते रहते हैं, और वंश जब भी दादाजी से मिलता है तो दादाजी को बोलता है दादाजी ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, मतलब उनको परेशान करके रख देता है। सो देखिए वो कितना एंजॉय कर रहा है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब, वेलकम बैक टू माई चैनल। कल मैंने अपने ब्लॉग का एंड नहीं करा तो सोचा आज कर देती हूँ, और वंश भी यहाँ के बैठ गया है। तो पता है आप लोगों को आज वंश कितने बजे सो के उठा, कितने बजे सो के उठे वंश बाबू? 5 बजे। 5 बजे? 5 बजे नहीं सो के उठे, 10 बजे। आज वंश 10 बजे सो के उठा है। मैंने 10 बजे 5 बजे सोता हूँ, और मम्मा सो के उठी है 9 बजे। मैं सो के उठी हूँ 9 बजे और वंश 10 बजे। मुझे आज थोड़ा सा लेट हो गया, मैं संडे को ही लेट से उठती हूँ और दिन जल्दी उठ जाती हूँ, बट आज मैं कोई सपना देख रही थी जिसकी वजह से मेरी नींद नहीं खुली। तो फिर मैं जल्दी जल्दी सुबह 9 बजे जब उठी तब मैंने पोहा बनाया, और मेरे हस्बैंड पोहा खा के ही ऑफिस चले गए हैं। सो अभी मैं नहा वहा के आ गई हूँ। पोहा बनाने के बाद मैंने घर की साफ़ सफाई वगैरह करी और अभी मैं नहा के आ गई हूँ। तो फिर थोड़ी देर में मैं मेरे लिए और वंश के लिए खाना बनाऊँगी। तो चलिए फिर मिलती हूँ आप लोगों से कल एक अच्छे स्नैप ब्लॉग में। बाय, थैंक यू सो मच।